फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का यूट्यूब अगर नहीं चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। तो इस वाले पेज में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड एक क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका पेज आएगा जो ओके करना है, तो आपका एक कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जो यूट्यूब है, यूट्यूब को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें आपको नीचे ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपका यूट्यूब का ऐप इन्फो के पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको अगले पेज में नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है, तो आपका पेज आएगा ना, इसमें आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपको एक पेज और आता है, इसमें आपको ओके पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को ना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करिए। अब प्ले स्टोर में आपको जो है ना नीचे की साइड में सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में यूट्यूब लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो आपका सामने यूट्यूब आएगा। देखिए यूट्यूब के सामने ओपन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको ओपन की जगह अगर अपडेट लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे अपडेट पे टैप करके यूट्यूब को अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लाएगा। आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।